Dear student, in this video, I am showing you about a student project program SPP second series 2020-21. इस वीडियो में हम स्टूडेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं जो कि फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए है. इसमें आपको 10,000 फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा प्लस 5,000 और जो कि हम आगे बता रहे हैं. सो द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन विल बी 31st of December. लास्ट डेट जो है सबमिशन का ये 31st December है और दिस ब्रांचेज आर अलाउड और दिस इज फॉर दी बीटेक एंड डिप्लोमा. सो सपोज दैट इफ सम स्टूडेंट इज इन द फर्स्ट ईयर सो दे हैव टू वेट. दिस इज ओनली फॉर द फाइनल ईयर. ये केवल फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए है. दैट विल बी फॉर द बीटेक एंड डिप्लोमा. So there is a SPP coordinator and in the your college. So you contact with them. So there will be a maximum 4 student in the team. तो क्या 3 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं? नहीं. There will be maximum 4 means 4 हो सकते हैं. ठीक है या उससे कम हो सकते हैं लेकिन 5 नहीं हो सकते हैं टीम में. So you have to make a team and those who will get 10,000 they will also get 5,000 plus. 5,000 if they have selected for the top 50. So this is all about. If you have any doubt, you can watch other video also in the same playlist. और ये क्या है कि आपको इससे related project में नहीं देना है. Will not consider proposal. इसका proposal नहीं देना है इस तरह का. ठीक है. क्यों नहीं देना है इसे इस तरह के प्रपोजल नहीं देने. ठीक. आपका जो प्रोजेक्ट है वो समाज के लिए फायदेमंद होना चाहिए. दैट विल बी हेल्पफुल फॉर आवर सोसाइटी. सो लाइक दैट. और यू कैन मेक एनी प्रोजेक्ट नो प्रॉब्लम. यू कैन ट्राई एंड दैट शुड नॉट बी रिलेटेड टू लाइक दिस. सो सी हियर लास्ट डेट विल बी द 31st of December 2020. सो दिस इज द मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर. एंड द अदर डेट यू विल एबल टू नो सब्सिक्वेंटली. अदर डेट आप बाद में देखेंगे. अभी आप 31st December 2020 के लिए प्रपोजल बना के और SPP कोऑर्डिनेटर के द्वारा उसको सबमिट कराइए. एंड दिस इज द नोटिस विच इज गिवेन बाई आवर डायरेक्टर सर ऑफ दिस SPP. ओके. सो यहाँ देखिए हाउ यू विल राइट हाउ यू विल मेक. आप कैसे बनाएंगे प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल है. सो देखिए यहाँ दैट इज प्रोजेक्ट प्रपोजल. ठीक है. सो देखिए यहाँ आप पॉइंट वन फर्स्ट में आप कॉलेज का नाम लिखेंगे. उसके बाद प्रोजेक्ट का टाइटल लिखेंगे. उसके बाद ब्रांच लिखेंगे. ठीक है. डिग्री डिप्लोमा में लिखेंगे आप बीटेक और वट एवर डिप्लोमा. अब क्या करेंगे आपको प्रोजेक्ट का गाइड बनाना है अपने कॉलेज में. ठीक है. सो उनका आप डिटेल लिखेंगे यहाँ. ठीक. को गाइड भी बना सकते हैं. बनाएंगे उनका डिटेल लिखेंगे. को गाइड ऑप्शनल है. उसके बाद टीम मेंबर जो भी हैं वो 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. 2 हो सकते हैं या हो सकते हैं 3 हो सकते हैं हो सकते हैं. और ये केवल फाइनल ईयर के लिए है. ओके. सो आप इनका डिटेल यहाँ फिलअप करिए. चारों का जो भी जितने भी आपके मेम्बर हैं उनका डिटेल आप फिलअप करिए. ठीक है. और टीम लीडर का डिटेल 7th में फिर से फिलअप करना है जो टीम के लीडर हैं उनके. और आप प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट करना चाहते हैं कितने टाइम लगेंगे और स्कोप क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है लिखिए. लिटरेचर सर्वे लिखिए. मेथडोलॉजी आप क्या यूज करेंगे उसको लिखिए. और एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट से क्या एक्सपेक्टेड आउटकम है वो लिखिए. और इसमें आप इसको फिलअप करिए 14 को. यस नो में जो भी है इसको डिटेल भरिए. उसके बाद इसको भी भरिए. यहाँ देखिए आपको यहाँ पर मान लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट बनाने में 25,000 लग रहे हैं तो क्या होगा. सो यू विल गेट 10,000. ओके. रेस्ट मनी यू हैव टू डू विथ योर सेल्फ. और यू शुड सेलेक्ट प्रोजेक्ट विच एकोमोडेट इन 10,000 लाइक दैट. सो आपको मटेरियल और लेबर ट्रेवल रिपोर्ट ये सब में कितने खर्च लगेंगे आप यहाँ लिख दीजिए. ठीक है. और कोई टेक्निकल डिटेल है तो भरिए. और यहाँ पर SPP कोऑर्डिनेटर का डिटेल भर दीजिए. ठीक है. जैसे मैं अपने कॉलेज के लिए हूँ. सो यहाँ कॉलेज SPP कोऑर्डिनेटर का डिटेल भरिए.
उसके बाद प्रोजेक्ट गाइड का साइन कराइए और एचओडी सर का साइन कराइए। उसके बाद स्टूडेंट का डिक्लेरेशन है, आप यहाँ चारों स्टूडेंट या जो भी ग्रुप के हैं यहाँ पर अपना साइन करिए, नाम लिखिए। और उसके बाद ये जो इंडोर्समेंट है, ठीक है, इसको जो है वो कॉलेज अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट अपने लेटर हेड में बना के देंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो इस पेज को, केवल इसी पेज को, केवल इसी पेज को, ठीक है, कॉलेज अपने लेटर हेड में बना के देंगे। और उसके बाद प्रोजेक्ट गाइड, को गाइड जो भी सर हैं वो साइन करेंगे, एचओडी सर का साइन होगा और प्रिंसिपल सर का साइन होगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। आई हैव मेडेड सम मोर वीडियो बेस्ड ऑन दिस, सो यू कैन वॉच इन द सेम प्ले लिस्ट।